तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमने जो लेबर कार्ड रिन्यूअल किया है उसकी आखिरी डेट क्या होती है, आपका रिन्यूअल कब ख़त्म होने वाला है, ये इसकी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पर। ठीक है, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर जाइए, मैं जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर। वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना होगा MahaBOCW। ठीक है दोस्तों, आपको MahaBOCW ये टाइप करना होगा और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल कर आएंगे। तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोफाइल लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ थोड़ी देर रुकिए, यह आपके नेट के ऊपर रहता है कि कितनी जल्दी ये खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है, इसकी वजह से खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। एक बार खुल जाने के बाद आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पता कर सकते हैं कि कैसे हमारा आखिरी डेट कब है रिन्यूअल की। ठीक है, और उसको रिन्यूअल कैसे करेंगे हम, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर दिए है कार्ड बनाते वक्त वो डालना है और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर यहाँ पर आप प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP आपको आगे भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, तो OTP आ चुका है दोस्तों। चलिए हम चेक करके देख लेते हैं कौन सा OTP है। तो दोस्तों OTP आ चुका है, OTP डाल देंगे हम, और OTP डालने के बाद यहाँ पर देखिए वैलिड OTP भी हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है इस पर। ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP डालेंगे तो पूरा फॉर्म आपका खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर बता देंगे सब कुछ, एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो आप देखिए यहाँ पर साइड में ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 19/2/2022, ये आने वाली 19 तारीख को जो है तो इसका हमको रिन्यूअल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता करेंगे दोस्तों के अपना जो अगला रिन्यूअल है वो कब करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार तब आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।